शहीदों क्रांतिकारियों की भूमि है ये, जिसे हम भारत कहते हैं। माँ बंजर भी हो जाए तो बुजदिल पैदा नहीं करती। रन ऑफ कच्छ गुजरात में क्या है, बस बालू ही तो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार आज का जो वीडियो है वो ट्रैवल के साथ साथ एक सुझाव है बिहार सरकार को और पब्लिक को, बिकॉज पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है, बिहार में ही ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, घूमने की सारी जगह बंद है। तो मुझे एक ऐसा दिखा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा अगर इसको डेवलप किया जाए आगे चलकर, पैसे भी आएंगे, बिहार का नाम भी आगे जाएगा। तो ये यार कुछ मिस्ट्री रखते हैं इसको, स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं, बताते हो क्या है, किस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है ताकि बिहार का नाम अच्छा हो, आगे बिहार को रेवेन्यू आए। तो अगर चैनल पे पहली बार आ रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना, और अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे होगे तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे फ्लैश आ रहा होगा अभी, वहाँ भी दे दूंगा, आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यार शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और जैसा कि हर वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि हमेशा मतलब हमें ट्रैवलिंग सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। हेलमेट हमने ले रखा है, एक हेलमेट हमारा भाई पहन रखा है, गाड़ी में बैठ चुका है, स्टार्ट हो रहा है, तो निकलते हैं और दिखाते हैं आपको वो जगह जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यार जिस मिस्ट्री की बात मैं कर रहा था और जिस चीज को मैं बोला कि बाद में बताऊंगा, उस जगह पे मैं आ चुका हूँ। अभी हूँ मैं कुर्जी में, और कुर्जी में आप मेरे पीछे देख सकते हो, उधर गंगा जी दिख रही होंगी और यह है घाट। तो मैं इसी चीज को कह रहा हूँ यार कि इस चीज को एज ए टूरिस्ट हब डेवलप किया जा सकता है, बिकॉज पटना में फ्रॉम दीघा टू दीदारगंज बहुत लंबा पार्ट है गंगा का, और उस पर घाट भी अच्छा है, बीच टाइप माहौल, एग्जैक्ट समंदर वाला बीच का माहौल तो नहीं आ पाता है, बट हाँ बीच का माहौल आता है। तो अगर बिहार सरकार चाहे तो इस चीज़ को एज ए टूरिस्ट प्लेस रिकॉग्नाइज करा सकती है, आगे बढ़ा सकती है इस प्लेस पे काम करके, बिकॉज अभी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा थोड़ी गंदगी है, थोड़ी क्या बहुत गंदगी है यार, तो इसको साफ कराया जा सकता है। बिकॉज हम लोग छठ पूजा में जब आते हैं घाट पे तो बिल्कुल साफ होता है, और अभी का स्थिति देख लो, कचरा बड़ा पड़ा है। तो अगर चाहे तो साफ करा सकती है, इस जगह को टूरिस्ट प्लेस डेवलप करा सकती है। अब कैसे करा सकती है, क्या फायदा होगा, ये बताता हूँ आगे वीडियो में। और यार इस जगह पे मैं आया तो एक जगह मेरे हाथ में मिट्टी लग गई, तो इस मिट्टी से रिलेटेड कुछ बात बताता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। उस मिट्टी से रिलेटेड बात कुछ इस प्रकार है, मैं इसके नाज उठाता हूँ ये मुझ पे एहसान नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ ये मुझ पे एहसान नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों क्रांतिकारियों की भूमि है ये, जिसे हम भारत कहते हैं। शहीदों क्रांतिकारियों की भूमि है ये, जिसे हम भारत कहते हैं। माँ बंजर भी हो जाए तो बुजदिल पैदा नहीं करती। तो जो भारत के दुश्मन बैठे फिरे हैं ना कि पीस पीस काट देंगे, बाबू तुम कट जाओगे, भारत को काटने की मत सोचना। शुरू करते हैं। तो यार मैं जो बात कर रहा हूँ एज ए टूरिस्ट हब डेवलप करने का, इससे क्या होगा, क्वेश्चन लोगों का आएगा, भाई पहले मास्क हटा लेता हूँ, जो एक कोरोना या नहीं, और लोग भी बगल में नहीं है, कोरोना तो होगा ही भगवान जाने, बट अगल बगल लोग नहीं है तो मास्क निकाला जा सकता है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, मैं बोल रहा था कि इसको टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया जा सकता है और इससे क्या फ़ायदा होगा। भाई एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि बिहार को रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसे ही बिहार में रेवेन्यू कम पड़ा हुआ है, पैसा कम है, तो सबसे पहला बिहार में रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इस इलाके में रहते हैं उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरा, ये एक हैंगआउट प्लेस बन सकता है पटनाइट्स के लिए, पटनाइट्स और इवन टूरिस्ट के लिए भी, वो यहाँ आकर हैंगआउट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे कि मतलब बीचेस का जो कल्चर है मुंबई में, गोवा में और फॉरेन में कितना अच्छा रहता है और कितना पैसा आता है उनको उस चीज़ से, वो चीज़ इस बिहार में भी किया जा सकता है। और तीसरा, ये पटना के ब्यूटी और फेम को बढ़ाएगा, और मेनली बिहार के ब्यूटी, और अगर पटना ग्रो करेगा भाई तो बिहार भी ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और इसको डेवलप करने में ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लगाना और बहुत रुपए लग जाएंगे, कैसे करना है वो भी आगे बताता हूँ। तो यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा ना कि इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाकर करोगे क्या, और यहाँ पे हो सकता है क्या क्या, वो मैं बताता हूँ। पहला चीज तो यहाँ भाई बहुत अच्छा मतलब गंगा का पार्ट आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ बोटिंग हो सकता है आराम से, मतलब जिसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोटिंग, ऐसे तो बहुत बोट चलते हैं बट इसमें जाना थोड़ा रिस्क है,
तो बोटिंग हो सकता है, दूसरा वाटर एक्टिविटीज किया जा सकता है जो कि फॉरेन में बहुत पॉपुलर है वाटर एक्टिविटीज, और वो वाटर रिसोर्सेज के पास ही होता है। तीसरा क्या किया जा सकता है भाई, स्विमिंग करा सकते हो आप प्रोफेशनल ट्रेनर्स के थ्रू, राइड करा सकते हो, ये सब चीज़ें कराई जा सकती हैं भाई। इवन अगर गवर्नमेंट चाहे इसके लिए, और फ्री में मत कराओ आप, पैसा लो तब चार्ज, पैसा लो चार्ज करो, कराओ और लोग आएंगे, ये गारंटी है कि लोग आएंगे, लोग आना चाहते हैं ऐसे चीज़ों के पास, बट वही समस्या है कि मतलब हमारे पास कुछ वैसा है नहीं। तीसरा आप क्या करा सकते हो, मतलब जो भी तीसरा चौथा होगा भाई, फ्लो देख लेना आप, बिकॉज हो सकता है दूसरे को तीसरा मैं बोल दूँ और तीसरे को चौथा बोल दूँ। तो चौथा क्या कराया जा सकता है वो मैं बताता हूँ, इसको नाइट आउट कैंपिंग के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। ऊपर कितना मस्त आसमान है, इसके आसपास थोड़ा विलेज वाला कल्चर भी आता है, और भाई यहाँ रात में कैंपिंग करने का ना मजा ही कुछ और है। बिहार में वैसे भी कैंपिंग का मतलब बहुत खोजना पड़ता है कि कहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, बट इस जगह पे बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है कैंपिंग के लिए। कितना पैसा लोगे यार कैंप ग्राउंड, आप कनाडा को देखो कितना अच्छा अच्छा कैंप ग्राउंड है वहाँ पे, यहाँ भी हम कैंप ग्राउंड डेवलप कर सकते हैं उस तरीके से, और हमें डेवलप करना होगा तभी हम टूरिस्ट को ला सकते हैं अपने पास। सिर्फ आज से 50 साल पहले वाले की चार मॉन्यूमेंट दिखा के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर लें, आप भूल जाओ कि आपके यहाँ आएगा। तो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। और आपका एक कंसर्न आ रहा होगा कि भाई आप बोल रहे हो पटना से इतनी दूरी पे, मतलब मेन पटना से तो थोड़ी दूरी पे है, तो है एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, वो भी मैं बताता हूँ आगे वीडियो में कि कैसे उसको टैकल कर। तो यार जहाँ तक आपका कंसर्न था वो सिक्योरिटी वाला कि पटना से थोड़ी दूरी पे आके रह रहे हो तो कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटी में, भाई बिहार पुलिस किस दिन काम आएगी, उस दिन तो ये हो ही सकता है ना। बहुत मतलब बिहार पुलिस को ला कर रख दो और फिर जो कराना है करा लो। छठ पूजा हम लोग कैसे कराते हैं, उसी तरीके से तो होता है हमारे यहाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक तो या तो बिहार पुलिस की ड्यूटी लगा दो आप यहाँ सारा चीज़ अरेंज करके, दूसरा आप टेम्पररी पुलिस स्टेशन खोल सकते हो यहाँ पे, एक मतलब एक छोटा रेडियस डाल दो कि इतने दूरी पे इतने पुलिस रोकेंगे, जब वो हो जाएगा सिक्योरिटी हो जाएगा, और जिस दिन सिक्योरिटी आ गया ना वहाँ इस जगह पे लोग एक बजे आने में भी रात में नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बट सर ऐसा किया जा सकता है तो हमारे बिहार को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, आपका नाम भी बढ़ेगा, जो भी हमारे सीएम साहब हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा इनिशिएट लिया था, पर्यटन मंत्री का नाम बढ़ेगा। तो सर ऐसा कुछ मैं तो कहता हूँ किया जाना चाहिए बिहार में, ताकि कुछ बिहार का भी नाम आगे बढ़े टूरिस्ट सेक्टर में, टूरिस्ट हमारे यहाँ भी आए और इस तरीके से भी आए, सिर्फ घूमने आते हैं वो अलग चीज़ है, बट कुछ दिन इधर आएंगे तो ये एक नया डेवलप किया जा सकता है एज ए टूरिस्ट। और यार आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ तो पब्लिक आएगी या नहीं आएगी, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी सोचे हो सकता है अगर उन तक वीडियो जाए हमारी तो वो भी सोच सकते हैं कि क्या यहाँ पब्लिक आएगी ऐसा करने पे। सर बिल्कुल आएगी, रन ऑफ कच्छ गुजरात में क्या है, बस बालू ही तो है, उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया है कि लोग वहाँ जाते हैं घूमने और वक्त बिता के आते हैं एक एक सप्ताह 10-10 दिन। तो क्या सर हमारे यहाँ नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। आप रात में जो नाइट आउट कैंपिंग की मैं बात कर रहा था उसमें आप एक लाइव शो करा दो किसी, मतलब एक अच्छे स्टार का या किसी का भी लाइव शो होना चाहिए, फिर आप देखो सर कैसे आती है हमारे यहाँ पब्लिक और ये कैसे बनता है एक टूरिस्ट हब। और एंट्री लगा दो ना इसको, एक पूरा जगह कवर करके एंट्री लगा दो, ज़्यादा नहीं हो रहा है तो अगर सिक्योरिटी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बाउंसर्स लगा दो, सिक्योरिटी प्राइवेट कर दो, फिर देखो कैसे अच्छे से कवर होता है, सिक्योरिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सिक्योरिटी ब्रीच का। तो इन चीज़ों को करके टूरिस्ट को यहाँ तक अट्रैक्ट किया जा सकता है, और सर ऐसा करना चाहिए। तो यार जैसा कि हमारे व्लॉग का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो एक कंक्लूजन पॉइंट के तौर पे होता है, और वो अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, लोग उसको देखते हैं और उस पे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि उस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या था। तो आज हमारा कंक्लूजन वीडियो का देंगे हमारे भाई, ये हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं, हाय भाई सहमत हैं या नहीं ये बताइए आप। एकदम सहमत है, आप ही बताइए ना, अगर इस पूरे घाट को मान लीजिए कि छोटा छोटा करके भी अगर रेस्टोरेंट टाइप का, आज के डेट में हम लोग क्या खोजते हैं, हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, हाई टेंशन में सब लोग, हाई प्रेशर में रहते हैं, सब बीपी का पेशेंट हो गए हैं, जितने चाहे आप किसी भी बड़े बड़े पोस्ट पे उठा लीजिए, जो जितने बड़े पोस्ट पे उनको उतना प्रेशर है। आज के डेट में अगर वो खोजते हैं रिलैक्स, अगर हम इसको जो भी घाट है उसको
गांव टाइप का बना के होटल रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे छोटा छोटा इवेंट हो। अगर मान लीजिए छोटा छोटा इवेंट होगा तो जो बिहार जैसे छोटे शहरों में जो भी मान लीजिए युवा हैं जो चाहते हैं कि वो अपना कुछ प्रस्तुति पेश, या फिर जो छोटे कलाकार हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और इस कारण से बहुत सारा रोजगार भी यहाँ पे जो लोग आज के डेट में हम देख रहे हैं कि भीख मांग रहा है या जो भी है, तो उसको भी कुछ ना कुछ उसमें रोजगार मिल जाएगा। अब इतना सारा बिहार का भी जनसंख्या होने जा रहा है तो सबको गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट को जॉब देना। आज के डेट में युवा को चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने, जब वो खुद का बिजनेस चलाएगा तो उससे ज्यादा वो कमाएगा और रोजगार दे सकता है। अब आप इस एरिया में अगर मान लीजिए 4-5 रेस्टोरेंट खोलेगा उसमें कितना रोजगार दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बाउंसर, खाना बनाने वाला, उसके बाद से आपको वेटर, ये सब, उसके बाद जितना लोग प्रस्तुति देगा वो सब अलग चीज है। मतलब हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद सही था या गलत था ये बताइए। सही था, एकदम सही था, इस चीज पे बेसिक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली, तो भाई आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो इसको डेवलप करके इससे पैसा कमा सकती है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे भाई ने तो बहुत लंबे तरीके से बताया, कॉन्क्लूजन बहुत अच्छा दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ इन बातों से आप सहमत हो या नहीं, और अगर सहमत हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को जहां मैं चाहता हूं पहुंचाना वहां तक पहुंच जाए। बात बाकी नहीं शेयर करोगे तो फिर तो वो आपकी मर्जी है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।